से जुड़ा बड़ा अपडेट, अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अग्निवीर योजना में जो जवान जाते हैं उनका कार्यकाल बढ़ सकता है। फिलहाल 4 साल का यह कार्यकाल है अग्निवीर के जवानों का, और अब इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, जवानों की भर्ती भी बढ़ेगी। इसके अलावा 25% की जो रिटेंशन स्कीम है इसमें भी बदलाव हो सकता है। अग्निवीर योजना को लेकर इस चुनाव के दौरान विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और नुकसान झेलना पड़ा है सरकार को। अब अग्निवीर योजना में बदलाव हो सकता है, यह एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। अभी 4 साल का कार्यकाल है, इसे बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 25% रिटेंशन की स्कीम में भी बदलाव हो सकता है। तो इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और अग्निवीर योजना में कहीं कहीं इसका नाम अग्निपथ भी आपको नजर आएगा। इस योजना में बड़े बदलाव हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसका नुकसान चुनाव में कहीं ना कहीं नजर आया है, और यही वजह है कि अब इसमें बदलाव की बात निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अग्निवीर योजना में हो सकते हैं बदलाव। अग्निवीर योजना की जो रिटेंशन स्कीम है 25% की, उसमें भी तब्दीली हो सकती है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा की है। एनएसए समेत कई अधिकारियों के साथ यह समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के एलजी से चर्चा की गई है। आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की प्रधानमंत्री ने जानकारी ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर समीक्षा की है। राजस्थान के हिंडौन में हिंदू संगठनों का